हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजी 2 की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजी 2 का स्पॉयलर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्जिल वेजिटा से बोलता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया। इस वक्त वर्जिल के सामने वेजिटा खड़ा हुआ होता है और वेजिटा जवाब में वर्जिल से बोलता है कि सुनो डीमन, मुझे और कैकरॉट को एक समझने की गलती मत करना। और तुम लोग सभी लोगों को मार के हमसे हमारी सभी चीज़ों को छीनना चाहते हो ना, पर तुम्हें। इतना बोलते ही वेजिटा एक ज़बरदस्त पंच मार देता है वर्जिल को। वेजिटा का ये पंच इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है कि वर्जिल एक ही पंच में पूरी तरीके से हिल गया रहता है। वेजिटा बिल्कुल ही इमोशनलेस लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि वेजिटा तो कोशिश भी नहीं कर रहा है और शायद इस तरीके की अटैक की उम्मीद नहीं की थी वर्जिल ने। इस अटैक का ताकत ही नहीं बल्कि इस अटैक का स्पीड भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वर्जिल इस अटैक को डिटेक्ट नहीं कर पाता और उसे ये अटैक लग जाता है। ये अटैक लगते ही वर्जिल काफ़ी दूर जाकर गिरता है। वेजिटा का फेस अब भी खून से रंगा हुआ होता है और वेजिटा वर्जिल से बोलता है कि तुम्हें एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम सैयंस कभी भी हार नहीं मानते और यही चीज़ हमारा शान है जिसे हम प्राइड बुलाते हैं। और जब तक मैं तुम्हारे शरीर से खून नहीं निकालता तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ डीमन। इसके बाद हम वर्जिल को देखते हैं। वर्जिल ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ होता है। इस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ होता है वर्जिल के ऊपर। वर्जिल बोलता है कि सैयद, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। हम देखते हैं कि वेजिटा का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वर्जिल का तो आधा आर्मर ही टूट गया रहता है, जिसके वजह से हमें पहली बार ही डीमन गार्ड का चेहरा दिख रहा होता है। वेजिटा ने दोनों में से एक डीमन गार्ड का आधा चेहरा रिवील कर दिया होता है। वर्जिल एकदम से अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता है। वर्जिल बोलते हैं कि बेवकूफ़ सैयन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वर्जिल का अभी भी आधा फेस आर्मर से ढका हुआ होता है और वर्जिल का ये लुक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। वर्जिल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस लग रहा होता है वेजिटा से। वर्जिल बोलता है कि इम्प्रेसिव सैयन, तुमने तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया है। मुझे लगा ही था अगर वो दोनों मिलकर डेंटे के आर्मर को क्रैक कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं तो सैयन के राजकुमार प्रिंस वेजिटा का सामना कर रहा हूँ, वो तो उससे बदतर कर सकता है। पर मेरे प्यारे प्रिंस, तुम बहुत ही जल्द कुछ सीखने वाले हो। आज मैं तुम्हें आज ये सिखाने वाला हूँ कि कुछ चीज़ें छुपी रही तो ही अच्छा रहता है। वर्जिल के ऐसा बोलते ही वर्जिल एकदम से तैयार हो जाता है वेजिटा का सामना करने के लिए। वर्जिल एकदम से अपने चेहरे से आधा आर्मर उतार के फेंक देता है और इससे वर्जिल का पूरा चेहरा रिवील हो जाता है। और वर्जिल सिर्फ इतने में ही नहीं रुकता। वर्जिल बोलता है कि तुम्हारा स्वागत है मेरे 100% में। इसका मतलब यह है कि वर्जिल अभी अपने 100% से लड़ने वाला है वेजिटा के साथ और वेजिटा को वर्जिल के 100% का सामना करना पड़ेगा अभी। जैसे ही वर्जिल का ये सेंटेंस खत्म होता है वैसे ही वर्जिल एकदम से पावर अप करने लग जाता है। वर्जिल के पावर अप करते ही वर्जिल का शरीर एकदम से बल्कि बन गया रहता है। वर्जिल के बाल एकदम से खड़े हो जाते हैं और वर्जिल के मसल्स बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं और वर्जिल के आसपास से एनर्जी स्पार्क निकल रहे होते हैं। इस चीज़ को देखकर वेजिटा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वेजिटा बोलता है कि तो तुम भी अपने इमोशन का इस्तेमाल करके ट्रांसफॉर्म होते हो, इसका मतलब तुम हम लोगों से अलग नहीं हो दोस्त। वेजिटा का ये सेंटेंस खत्म होते ही वेजिटा एकदम से पावर अप करता है। वेजिटा बोलता है कि मेरे फादर के लिए। वेजिटा का ऑरा भी एकदम से बढ़ जाता है और वेजिटा के आसपास से भी एनर्जी स्पार्क्स निकल रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं कि वर्जिल वहां तक पहुंच चुका होता है और वर्जिल एक ज़बरदस्त अटैक करने वाला होता है वेजिटा के ऊपर। वर्जिल बोलता है कि मुझे दिखाओ सैयन कि आखिर क्यों लूसिफ तुम जैसे लोअर स्पीशीज की इतनी ज़्यादा केयर करता है। ये बोलते हुए वर्जिल एक ज़बरदस्त पंच मार देता है वेजिटा को, पर वर्जिल का यह अटैक वेजिटा को नहीं लगता और वेजिटा एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है, जिस चीज़ की उम्मीद वर्जिल ने नहीं की थी। वर्जिल बोलता है कि बेवकूफ़ कीड़े, आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। तभी वर्जिल किसी चीज़ को नोटिस करता है और इसी के साथ ये स्पॉइलर खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।